वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है क्रेजी फोर मूवीज में। तो दोस्तों, जब से डियर कॉमरेड फिल्म रिलीज हुई है और जब से फिल्म के रिव्यूज बाहर आए हैं, तो तब से लेकर अब तक बहुत सारे लोगों के दिमाग में कन्फ्यूजन से, मेरे रिव्यू आने से पहले तो बहुत लोगों ने सोच लिया था कि इस फिल्म को बहुत ही खराब रिव्यूज मिल रहे हैं, क्योंकि गूगल पर और कुछ वेबसाइट्स पर इस फिल्म को बहुत ही नेगेटिव रिव्यूज मिले थे। और मेरे रिव्यूज आने के बाद काफी लोगों ने कहा कि क्या ये फिल्म सही में बहुत अच्छी है या फिर आपने ही इस फिल्म को अच्छा रिव्यू दिया है। और कुछ वेबसाइट्स वालों ने इस फिल्म को फ्लॉप घोषित कर दिया था, सिर्फ 2 दिन के अंदर इस फिल्म को फ्लॉप घोषित कर दिया गया है। तो काफी लोग के मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि क्या ये फिल्म सही में फ्लॉप हुई है या फिर इस फिल्म के लिए नेगेटिविटी फैलाई जा रही है। तो एक बात आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि जब कोई भी एक्टर बहुत ही कम समय में बहुत ज्यादा नाम कमा जाता है, तो उतने ही कम समय में उसके उतने ही ज्यादा हेटर्स भी बढ़ जाते हैं। और आप सभी को पता है कि विजय देवरकोंडा के इतने ज्यादा हेटर्स बढ़ चुके हैं कि उनकी पिछली फिल्म टैक्सी वालों को फ्लॉप कराने की इतनी बड़ी साजिश की गई थी कि उस फिल्म के HD प्रिंट को रिलीज से पहले ही लीक करवा दिया गया था। जी हाँ, सेंसर प्रिंट को लीक करवा दिया गया था, फिर भी उस फिल्म को कोई फर्क नहीं पड़ा था। तो आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं कि दरअसल डियर कॉमरेड का बजट कितना है और कितना रहा इस फिल्म का अब तक का 2 दिन का कलेक्शन, और क्या ये फिल्म अब तक हिट है या फिर फ्लॉप है। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले इस फिल्म के बजट के बारे में। तो विजय देवरकोंडा ने एक इंटरव्यू में खुद ही कह दिया है कि इस फिल्म के तेलुगु वर्जन का जो बजट है वो था 5 करोड़ का। जी हाँ दोस्तों, फिल्म के तेलुगु वर्जन का बजट सिर्फ 5 करोड़ का था, पर बाद में उनको लगा कि इस फिल्म को हमें सभी ऑडियंस तक पहुंचाना चाहिए, तो उन्होंने इस फिल्म को सभी भाषाओं में डब किया, सभी भाषाओं में प्रोड्यूस करवाया और बाद में इसके प्रमोशंस भी करवाए। तो उन सबको मिलाकर देवरकोंडा ने कहा था कि इस फिल्म का जो बजट है 35 करोड़ तक का पहुंच गया था। तो मान लेते हैं कि इस फिल्म का जो टोटल बजट है वो 35 करोड़ का है। तो अब आइए बात कर लेते हैं इस फिल्म के कलेक्शंस के ऊपर। तो इस फिल्म का जो पहले दिन का कलेक्शन आया था वो था 17.9 करोड़ का। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म ने अपने पहले दिन वर्ल्ड वाइड 17.9 करोड़ का बिजनेस किया था सभी भाषाओं को मिलाकर, और ऐसा करते हुए इस फिल्म ने सबसे हाईएस्ट ओपनिंग दर्ज की किसी भी मीडियम बजट के फिल्म के लिए। मीडियम बजट की फिल्म मतलब जो फिल्में 30 से 50 करोड़ के बीच में बनती है, उन फिल्मों को मीडियम बजट फिल्म कहा जाता है साउथ इंडस्ट्री में। अब आइए बात कर लेते हैं फिल्म के सेकेंड डे कलेक्शंस के ऊपर। तो अभी तक फिल्म के सेकेंड डे के जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शंस है वो तो नहीं आए हैं, पर फिल्म के सेकेंड डे के आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कलेक्शंस आ चुके हैं, और फिल्म ने अपने दूसरे दिन आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 10.27 करोड़ का बिजनेस कर लिया है, और ऐसा करते हुए अब तक इस फिल्म का जो टोटल कलेक्शन हुआ है वो है 28.17 करोड़ का। जी हां दोस्तों, इस फिल्म ने 28.17 करोड़ का बिजनेस अब तक कर चुकी है, और जैसी रिपोर्ट्स आ रही है उस हिसाब से ये फिल्म वर्ल्ड वाइड अपने दूसरे दिन 15 से 16 करोड़ तक का बिजनेस कर लेगी। और अगर ऐसा करती है तो इस फिल्म का 2 दिन का जो कलेक्शन होगा वो करीब करीब 32 से 33 करोड़ तक का पहुंच जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो आप जान लीजिए कि इस फिल्म का जो बजट था वो 35 करोड़ का था, और अगर ये फिल्म 2 ही दिन में 32 करोड़ कमा जाती है तो मेरे हिसाब से एटलीस्ट अपना बजट तो रिकवर कर ही लेगी। और कोई भी फिल्म अपना बजट जब रिकवर कर लेती है तो उसे उस फिल्म को हिट फिल्म का टैग दे दिया जाता है। साथ ही साथ बता दूं कि इस फिल्म के जो रीमेक राइट्स हैं वो अब तक के किसी भी साउथ इंडियन फिल्म के सबसे हाईएस्ट रीमेक राइट्स बिके हैं, और करण जौहर ने इस फिल्म की रीमेक राइट्स को 6 करोड़ में खरीदा है। तो इसे भी अगर आप इस फिल्म के साथ जोड़ना चाहते हैं तो जोड़ सकते हैं, वैसे मैं इनको जोड़ता कभी नहीं हूं, बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस पे ही ध्यान देंगे। पर जब इस फिल्म के टोटल कलेक्शंस आएंगे, टेलीविजन राइट्स आएंगी, सबको मिला के इस फिल्म का कलेक्शन तो कुछ और ही निकलेगा। पर सिर्फ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे ध्यान दें तो इस फिल्म का कलेक्शन लगभग दूसरे दिन तक 32 से 33 करोड़ तक का पहुंच जाएगा। अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन आज शाम तक आ जाते हैं तो मैं जरूर कोशिश करूंगा कि अपने कल के फिल्म टॉक के एपिसोड में उसे जरूर कवर करूं। दोस्तों, मेरे हिसाब से अब तक आप सभी के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि ये फिल्म फ्लॉप चल रही है या हिट चल रही है। आपने ये फिल्म देखी या नहीं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।